ये ज्यादा जरूरी है, कुछ लिखो मत, जस्ट वेट, ऑल ऑफ यू वेट फॉर 5 मिनट्स, कुछ लिखो मत, बिकॉज ये पढ़ाने से ज्यादा, वो तो मैं ना पढ़ाऊं तो भी चलेगा, इफ आई डोंट टीच ऑल दीज थिंग्स देन ऑल्सो दे आर रिटन इन द बुक्स, ये ज्यादा जरूरी है। रुको, मेडिटेशन एंड अजीब अजीब ख्याल। अब तुमने यू आर यूथ अनएम्प्लॉयड, यूथ अनएम्प्लॉयड इन अ कंट्री ऑफ सूडो पीपल। अब एक स्त्री जा रही है, वुमन, खूबसूरत सी, दैट इज वाई मेजॉरिटी मेल इन इंडिया आर वेरी आइडियल इन फ्रंट ऑफ वुमन, वेरी आइडियल। औरतें समझ जाती कि बेवकूफ है, पागल है। यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट वुमेन यू डोंट हैव द राइट टू कॉल योर सेल्फ एज अ मेल, यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन, बट देर इज नो नीड टू बी आइडियल इन फ्रंट ऑफ वुमेन कि मैं ये नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, मैं भाई साहब पान नहीं खाता। हाँ, नहीं खाते हो, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी है, पर बनने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आई हैव सीन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेजॉरिटी पीपल, मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं कि यार हम तो भैया स्त्री के पीछे भागते ही नहीं, क्या बहुत अच्छा, मत भागो, संत शक्ल से लग नहीं रहो। अब हिजड़े भी नहीं भागते, भागने के लिए कौन कह रहा है। वुमन को डिफाई करना, इट्स नॉट पॉसिबल, हाई नहीं सर, हाई नहीं। सेक्स इज ऑलवेज अ फैसिनेशन, ऑलवेज। इंसान अगर उससे ऊपर पहुंच गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं जो उसे मतलब परेशान कर सके। द ओनली प्रोसेस सेक्स इज द ओनली, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्रोसेस, द ओनली प्रोसेस वेयर ऑल द सेंसेस कंप्लीटली गेट इन्वॉल्व्ड एंड द माइंड रन्स नोवेयर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्रोसेस। कुछ करना ही नहीं कंसेंट्रेट होने के लिए। लोग मेरे पास आते कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, नहीं लगेगा, उससे ऊपर पहुंचने का दो ही रास्ता है, या तो बुद्ध की तरह एक्सट्रीमली भोग लो और या जाग जाओ, और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सिगमंड फ्रॉयड पहले रास्ता फॉलो कर रहा है, बुद्ध ओवरकम कर लिए, एक्सट्रीमली भोग लिए, इसलिए तो दिस कॉमन मैन, आम आदमी को क्यों उलझाए रखा है, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर, दिस दैट, इट्स वेरी बैड। दो ही रास्ते हैं, या तो जाग जाओ, अवेकेंड हो जाओ, तुम्हारी सांसें तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो आंख शांत हो जाएगी, और या तो बुद्ध की तरह एक्सट्रीमली भोग लो। आइडियल मत बनो, फालतू में ड्रामेबाजी मत करो। सुनो, अब तुम क्या करते हो, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी सिखाई गई है। अब तुमने एक खूबसूरत सी औरत देखी तो उसे प्यार, देखो ट्रकों के पीछे एक बड़ी प्यारी फिलॉसफी लिखी, देखो मगर प्यार से। अब तुम प्यार से देख ही नहीं पाए, उसको देख के ही सारी कहानी यहां बना लिए, यहां अब वो सेव हो गई अंदर। दिन भर में तुम 100 का, तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं, एनीथिंग इन विच यू गेट डीपली इन्वॉल्व इट गोज एंड सेट्स इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी, भिकमंगे हो जाओगे, बिकॉज इन एनीथिंग विच यू गेट इन्वॉल्व, जिसमें तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हो ना, वो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। एंड व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, तब वो तुम्हें वहां पे हॉन्ट करती है, क्योंकि वो पड़ी हुई है तहखाने में। और ध्यान में तुम क्या करते हो, अपने अंदर जाते हो, तो यू एंटर इन टू दैट तहखाना, बस वहां वो चीजें तुम्हें मिलती हैं, आती नहीं है, वो सेव्ड हैं।
और सिर्फ तुम्हारी गलती से। दिस इज द ब्लंडर यू डू। तुम देखो जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आते सेव्ड हो जाते हैं जिंदगी भर। जो सीन तुम्हें मूवी में अच्छी लगती है जिंदगी भर याद रहती है। कैसे? इट गोज इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। इट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ एक्सट्रीम पोटेंशियल। ध्यान मतलब गोइंग इनसाइड। तो व्हेन यू गो इनसाइड यू पास थ्रू दैट गोडाउन जिसमें तुमने चीजों को सेव कर रखा है। उन्हें निकलने दो। जब समुद्र मंथन होगा ना, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम ध्यान करोगे तो पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। वो जो तुम कह रहे हो अजीब अजीब ख्याल निकल रहे हैं, वो विष निकल रहा है। उसको भागो मत, बस देखते जाओ, निकलने दो उसे। एक बार पूरा खाली हो जाएगा गोडाउन तुम्हारा, फिर मजा आएगा, फिर बहुत मजा आएगा। फिर तो इतना मजा आएगा ना, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लोगे तुम। मोदी जी पागल है? किसी के साथ नहीं उठते बैठते, किसी के साथ, किसी से कोई फालतू बात नहीं कहते। दो दो घंटे ध्यान करते हैं, दो दो घंटे करते होंगे। वही एक चीज है जिसने उन्हें इतनी ऊंचाई पे पहुंचाई है, मेडिटेशन। आई नो इट वेरी वेल। कोई कितना भी चिल्लाए, राहुल गांधी देखो इतना बढ़िया पढ़ के आए हैं लंदन अमेरिका और कहां कहां से। अखिलेश जी पढ़कर आए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, चिराग पासवान पढ़कर आए हैं, सब पढ़कर आए हैं, लेकिन उस मेडिटेटिव आदमी के आगे फेल है। वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, बट उस मेडिटेटिव आदमी के आगे फेल है। वो बंदा स्कूल गया नहीं गया, दैट इज नॉट माई पॉइंट। पर दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में इतनी औकात नहीं है कि कबीर जैसा टैलेंट पैदा कर दे। वो मेडिटेशन की देन है। दैट इज वाई आई ऑलवेज से टू यू, रिपीटेडली से टू यू, आई ज्वाइन हैंड टू यू कि योगा और मेडिटेशन शुरू करो। घबराओ मत, डरो मत, ये सब होने दो, कोई बात नहीं। वो सेव्ड चीजें हैं, वो तुमने कभी ना कभी सेव कर रखी है, समाज ने तुम्हें सिखाया है। हमारे देश के लड़के देखो पढ़े हुए हैं, या तो भोगो या तो जागो। बुद्ध को फॉलो करो, मैं तो कहूंगा जागो। अब जब पता ही चल गया तो जागो।